नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स पर डॉक्टर गौरव गर्ग पर। आज एक इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं शाहीन दास, जिन्होंने आरआरबी क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। चलिए सीधी बात करते हैं शाहीन से और जानते हैं उनका सफर। बहुत बहुत स्वागत है शाहीन और बधाई। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया है, जब रिजल्ट देखा फाइनल लिस्ट में, क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? मैम जब मैं मेरा तो रिजर्व लिस्ट में आया था ना, तो जब मैं देखी थी तो मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हो जाएगा, बट जैसे ही मैं खोली लिंक और जब वहां पे दिखाया था कि वी आर ग्लैड टू से, वो देख करके आई वाज सो ओवरवेल्ड कि यस फाइनली हो गया है। और जब मेरी मम्मी ने देखा वो मार्कशीट, देन शी स्टार्टेड क्राइंग कि हो गया है मेरी बेटी का। एंड आफ्टर सो लॉन्ग माई फादर हग्ड मी एंड सेड मुबारक हो बेटा। एंड दैट वॉज सो लाइक मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, इतना अच्छा वो मोमेंट था। और ये फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब था मेरा, तो और भी मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। और कहीं ना कहीं इसमें मैं सर गौरव को बहुत ज्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने उनका जो करंट अफेयर का पढ़ाने का जो तरीका है, वो जैसा पढ़ाते हैं लाइक इट्स वेरी लाइक बहुत अच्छे अच्छे से पढ़ाते हैं, हर एक माइन्यूट चीज वो बताते हैं। और उनके ही वजह से शायद मैं बोलूंगी कि मैं जीके में इतना अच्छा स्कोर कर पाई और मेरा मार्क्स बूस्टअप हो गया उससे। शाइन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आपने जिस तरीके से बताया कि माँ की आंखों में आंसू थे, पिता ने गले से लगा लिया, आई थिंक हम सभी, आप जिस तरीके से आप बयां कर रही थी, हम सभी कनेक्ट कर पा रहे थे कि जो सक्सेस होती है वो बहुत बड़ी होती है और माँ बाप के लिए तो इससे बड़ा फक्र का कोई बात ही नहीं हो सकती। शाइन, थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मैम मैं मेघालय शिलोंग से हूँ, नॉर्थ ईस्ट। मैम हमारे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में कोई ऐसा लोकल कोचिंग नहीं है जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन जा करके पढ़ सकते हैं, तो वैसा कुछ है नहीं। तो हम लोगों को ऐसा है कि वी हैव टू डू ऑल बाय आवर सेल्फ, जो करना है खुद से करना है। तो मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम चले जाओ वहाँ पर, पटना चले जाना, पटना में जाकर के तुम कोचिंग करना। तो मैं वहाँ गई थी इनफैक्ट, लेकिन कोविड की वजह से सेकेंड वेव आ गया था कोविड का, तो मैं वापस आ गई थी। फिर उसके बाद में मैं इतने इतने टेंस थी कि मैं कैसे करूँ, और जीके में आई वॉज नॉट एट ऑल गुड। तो उसके बाद में मेरे एक फ्रेंड है अभिजीत, उन्होंने मुझे सर गौरव के बारे में बताया कि तुम इनको फॉलो करो, इनका बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। तो फिर उनको मैंने स्टडी आईक्यू में फॉलो किया, फर्स्ट मैं उनका वीडियो देखी थी यूट्यूब में, फिर मैं उनको फॉलो की। तो फिर लाइक लिटरली मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं थी जीके में और आज मैं जो भी हूँ ना वो सर की वजह से हूँ। लाइक बहुत एक हफ्ता, हाँ एक हफ्ता में ही मुझे समझ में आ गया था कि हाँ मुझे सर को ही फॉलो करना है, जहां तक फॉलो करना है सर को ही करना है, क्योंकि उनका टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा था। ऐसा था कि नहीं, मैं सर को अगर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट भी करूंगी तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। शाहीन, यानी कि गौरव सर का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही अहम रहा है आपके पूरी जर्नी में, और आप बहुत किस तरीके से बदलाव महसूस किया जब आपने गौरव सर का करंट अफेयर्स पढ़ा, स्टडी आईक्यू का किस तरीके से इम्पैक्ट रहा, वो आपसे जानना चाहेंगे। पहले तो मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं जीके में इतनी अच्छी नहीं हूँ, लाइक मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या होता है। लेकिन जब मैंने सर गौरव को फॉलो करना स्टार्ट किया है, उसके बाद मुझे सारा चीज समझ में आया है कि कैसे नेशनली इंटरनेशनली हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन सा मीटिंग कहाँ पर होता है, कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, कैसे करके वो लोग डील करते हैं हर एक चीज में। इतना ज्यादा मुझे नॉलेज गेन हुआ है कि मैं किसी और को भी मतलब गाइड कर सकती हूँ अब। और ये सब चीज सिर्फ गौरव सर की वजह से ही हुआ है, उनका वीडियो देख करके, उनका एक्सप्लेनेशन सुन करके, अभी मेरा हमारा वो जो जीके का वो जो होता है ना, वो बेस एकदम स्ट्रांग हो गया है। शाहीन, कैसे बैंक की तैयारी करना आपने सोचा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बैंकिंग का तो एक्चुअली मेरे फैमिली से कोई बैंकिंग बैकग्राउंड में नहीं है, तो फिर उसके बाद में मेरी बहन है, कजिन बहन है, वो कर रही थी बट शी ड्रॉप आउट बीच में। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने उनका कुछ प्रॉब्लम था, फैमिली इशू, तो वो ड्रॉप आउट कर ली। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मतलब कि अगर तुम बैंकिंग सेक्टर में जाती हो तो तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा, सिक्योर हो जाएगा लाइफ, ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे बहुत समझाया। तो उसके बाद में मैंने थोड़ा सोचा, फिर उसके बाद में मैंने बोला कि हाँ ठीक है मैं अभी करती हूँ। इनिशियली तो इट वॉज टफ, बट आफ्टर जब मैं स्टार्ट की, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, जब मुझे टीचर्स के बारे में पता चलना स्टार्ट हुआ कि ये टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इंक्लूडिंग गौरव सर, आई थैंक हिम सो मच।
गौरव सर और फिर बाकी सर है, जैसे अंकुश सर है, निमिषा मैम है, वो उन लोगों के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने उन्हें फॉलो करना स्टार्ट किया, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं करके ही दिखाऊंगी इस बार। तो फिर मैं वैसे मैंने स्टार्ट किया और फिर उसके बाद में हो गया मेरा RRB क्लर्क इस बार। तो शाहीन, जब आपको आपकी बहन ने इंट्रोड्यूस करवाया बैंक एग्जामिनेशन से और आपने ठाना, आपने कर भी लिया, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जी मैम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने क्लियर कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, लाखों बच्चे बैठते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपने सही स्ट्रैटेजी समझ ली है और जो सीकिंग पॉइंट है तो आपके लिए आसान हो जाते हैं। तो आपने फर्स्ट टाइम में किया, आपने कहा आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा बताएं कि जो न्यू बिगिनर्स हैं उनके लिए कैसे होगी आगे की जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनको मेंटली स्ट्रांग करना चाहूंगी और वो लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि बिलीव योर सेल्फ। अगर तुम खुद पे विश्वास रखते हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती है, तुम वो कर ही जाओगे। अगर वो जितना भी डिफिकल्ट है तो तुम कर जाओगे। सेकेंड, मैं ये बोलूंगी कि टीचर्स का गाइडेंस, अच्छा टीचर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप किसके ज्यादा हो, आप किनसे पढ़ोगे तो आप ज्यादा वो चीज का इम्पैक्ट ले सकते हो। जैसे कि मैंने गौरव सर को चूज किया जीके के लिए और मैं बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि हाँ वो मेरा राइट डिसीजन था कि मैंने गौरव सर को चूज किया और मैं उनसे जीके पढ़ी हूँ, क्योंकि उनका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ही अलग तरीके का है। और वो जो हर वीडियो में जब कराते हैं तो पिछला करंट अफेयर जब रिपीट करते हैं तो वो चीज दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाता है कि हाँ वो ऐसा था, वो ऐसा। सर बताने से पहले मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि फर्स्ट तो खुद में बिलीव योर सेल्फ, और सेकेंड है कि अपना जो तुम जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो वो तुम्हारा एकदम अच्छा होना चाहिए, मतलब हाँ कि तुम सही पाथ में जा रहे हो। तकरीबन कितने समय आपने तैयारी की एग्जाम से पहले, कब से शुरुआत करती थी? मैंने 2021 अप्रैल में स्टार्ट किया था, और मैं हाँ 2021 अप्रैल में स्टार्ट किया था, लेकिन मैं जीके का फेब्रुअरी से देखना स्टार्ट की थी, 2021 फेब्रुअरी से सर गौरव का, और तब से मैं कंटिन्यूअसली अभी देख ही रही हूँ। अगर मेरा जॉब अच्छे से अच्छा भी लग जाएगा ना, तो मैं लाइफ टाइम प्रिफर करूंगी कि मैं सर गौरव का वीडियो देखूँ नॉलेज गेन करने के लिए। शाइन, ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही नॉलेज गेन करने के लिए, और आई एम श्योर गौरव सर इज वेरी प्राउड ऑफ यू, इतना बड़ा अचीवमेंट है। शाइन, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेलेबल है तो गौरव सर का कोर्स क्यों ले, आपका उस पे क्या मानना है? कितना क्या क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में उसी तरीके से आते हैं जैसे सर पढ़ाते हैं? मैम फ्री कंटेंट तो बहुत है, यूट्यूब में भी बहुत अवेलेबल है, हम लोग चाहे तो फ्री कंटेंट यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन सर गौरव का खास चीज ये है कि जैसे कि एक दिन का अगर 18 to 20 questions है, तो सर वो सिर्फ 18 to 20 questions नहीं कराते हैं, सर अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स हम लोगों को बताते रहते हैं कि अगर जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में है, तो खाली सिर्फ आज जो महाराष्ट्र का जो न्यूज आया है, सर सिर्फ वो नहीं बताते हैं, उससे रिलेटेड 1 week पहले का जितना भी महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज होता है, सर वो सारा हम लोगों को बताते हैं। तो इन शॉर्ट वो दिमाग में बैठ जाता है कि महाराष्ट्र में ये हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। और जब एग्जाम्स में, जब मैं लिटरली मैम मैं बोल रही हूँ ना, जब मैं एग्जाम्स में गई थी और मैं जब क्वेश्चन देखी, तो सर जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बोलते हैं ना, वो वाले से ज्यादा क्वेश्चन था, और मैं अटेम्प्ट कर पाई थी क्योंकि मैं सर का वीडियो को एकदम अच्छे से पढ़ के अपना नोट्स बनाती थी वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स का, और एग्जाम्स के पहले मैं उसको रिविजन करके गई थी, तो वो मुझे बहुत बहुत ज्यादा मुझे वो हेल्पफुल हुआ था। अगर आपको आपके प्रिपरेशन डेज में ले जाएं तो एक टिपिकल डे किस तरीके से शुरू होता था, कितना प्रैक्टिस करती थी आप? स्टार्ट मेरा प्रिपरेशन, मैं जब स्टार्ट की थी तो इनिशियली मैं कम पढ़ती थी, ज्यादा नहीं पढ़ती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कंपटीशन देखी कि नहीं भाई कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, तो 13 to 14 hours तो मुझे पढ़ना ही पड़ता था एवरी डे। और उसमें से जीके, अगर जीके हम लोग सर का वीडियो भी करते हैं, वीडियो करने के बाद में अगर हम लोग खुद से 1 to 2 hours अगर एवरी डे पढ़ेंगे तो वो मोर देन एनफ है, क्योंकि सर का कंटेंट ही अपने में एकदम खास होता है, हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बस स्टडी IQ में अगर हम लोग अपने आप को डिपेंडेंट रखेंगे तो दैट इज अनफ। तो शाहीन, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया। कई बार होता है कि हम एक जैसे प्रश्न लगाते लगाते एक सैचुरेशन आ जाता है, क्या आपके साथ भी वो आता था? जी मैम, बीच बीच में तो आता था, लगता था कि
कब तक पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ही पड़ता था, कुछ ऑप्शन नहीं था। ऐसा है कि कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा ही, अगर हम लोगों को चाहिए तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, विदाउट मेहनत हम लोग कुछ नहीं पा सकते हैं। तो और फिर उसके बाद में मैं मोटिवेशनल वीडियोस भी देखती थी, एवरीडे का एक वीडियो, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था और वो अंदर से मतलब जुनून लाता था कि नहीं मुझे करना है, मुझे एवरीडे उठना है, एवरीडे अपना टू डू लिस्ट बनाना है और उसको रात तक कंप्लीट करके ही सोना है। एक्चुअली इतना मोटिवेशन, इतना डेडिकेशन, इतना डिटर्मिनेशन आपको अपने अंदर लाना होगा, तभी आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर हो सकता है। शायद कितने क्वेश्चंस लगाती थी आप? मॉक टेस्ट मतलब एवरीडे का तो एक प्री मुझे देना ही होता था, मतलब प्री का तो मैं दूंगी ही दूंगी कुछ भी हो जाए, एक प्री का मॉक टेस्ट मुझे देना है और मेंस का मैं अल्टरनेट डेज देती थी। जैसे कि आज अगर मैं मॉक टेस्ट दी हूँ मेंस का, तो कल मैं वो मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करूंगी, पूरा A to Z में एनालाइज करूंगी, उसके बाद ही मैं थर्ड डे में जाकर के मैं फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट लगाऊंगी और फिर उसको 2 दिन में उसको कंप्लीट करूंगी, पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करूंगी। मॉक टेस्ट देने से ज्यादा मैम उसको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहीन, बहुत बार हम कहते तो हैं एनालाइज करना, लेकिन हम समझ नहीं पाते एनालाइज कैसे करते हैं। थोड़ा सा आप जो अभी बडिंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बताएंगे? मैम एनालाइज जैसे कि आप मॉक टेस्ट लगाए हो कोई, और एनालाइज करने के लिए उसके नीचे में आंसर्स दिया रहता है, या तो आप उस आंसर्स को देख 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 करके उसको करो, करने के बाद में जैसे कुछ कहीं पे आप फंस रहे हो, कुछ फॉर्मूलाज में फंस रहे हो या फिर कुछ कंसेप्ट में फंस रहे हो, तो उसका एक बेसिक वीडियो देख लो, तो बेसिक वीडियो जब आप देख लोगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे है ये ऐसे है। उसके बाद में आप फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करो, और जब आप फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ चलो बेसिक मैंने सीख लिया है तो अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो वैसे करके सॉल्व कर सकते हो। और सेकंड वहां पर वीडियो, जैसे कि आप कुछ सॉल्व किए हो मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस के नीचे वीडियो रहता है, वो वीडियो को भी ऑन करके आप देख सकते हो, तो वहां पे वीडियो एक्सप्लेन वीडियो रहता है, तो वो वीडियो से भी हम लोग समझ करके कर सकते हैं। शाहीन, ऐसी कौन सी बात आपको लगती है जो पहले अटेम्प्ट में ही आपको सफलता दिलाई? हार्ड वर्क मैम, डिटर्मिनेशन, सेल्फ बिलीव, शाहीन, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी जो सफलता का राज है वो बताया, और बहुत ही कॉन्फिडेंस। शायद ये कॉन्फिडेंस सब में होता है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं। शाहीन, एग्जामिनेशन में पहली बार जब आप एग्जाम देते हैं, बहुत सारी खुद में एक्सपेक्टेशन होती है, इन सारी ओवरवेलमिंग इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर? मैम जैसे कि हम लोग जब एग्जाम्स देने जाते हैं, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, आई वाज क्वाइट नर्वस कि पता नहीं क्या होगा, फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फर्स्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स का मैं दे रही हूँ एग्जाम्स, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे मैं देती गई एग्जाम्स, वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया। जब मैं इनफैक्ट में जब मैं आज भी जब मैं एग्जाम हॉल जाती हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही चलता है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं सबसे ज्यादा जानती हूँ और मैं करके रहूंगी और मैं करूंगी, और वो माइंडसेट से जब मैं जाती हूँ एग्जाम हॉल में और जब मैं बैठती हूँ तो लिटरली मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि नहीं अच्छा ही होगा मेरा एग्जाम, मैं अच्छे से प्रिपेयर करके आई हूँ, अच्छे टीचर से मैं गाइडेंस लेकर के आई हूँ, तो मेरा अच्छा ही एग्जाम्स जाएगा और वो अच्छा जाता है फिर एग्जाम्स। शाहीन, ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात जो शायद आप बताना चाहें प्रिपरेशन से रिलेटेड? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारा डाउनफॉल आएगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, बट स्टिल यू हैव टू कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, और बीच में छोड़ना नहीं है कि नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, बस ये सोचना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इतने लोग जब कर रहे हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना, बस ये चीज अपने दिमाग में रख करके अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। शाहीन, कुछ फाइनल टिप्स, सजेशन? मैम फाइनल टिप्स तो मैं ये दूंगी कि सर गौरव को फॉलो करो, ही इज द बेस्ट फॉर GK, लिटरली उनका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, और सेल्फ बिलीव रखो, वर्क हार्ड करो, एवरीडे अपना टू डू लिस्ट बनाओ और उसको कंप्लीट करने का वो क्षमता रखो कि यस मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको कंप्लीट करके ही अपना दिन खत्म करो। थैंक्स शाहीन, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक।